डेलीगेशन इस बाबत चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, जिसको लेकर अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और सचिवों की बैठक हुई। और इसमें अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत रखेगा और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लाखों फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं, इसे भी चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। डेलीगेशन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अशोक गहलोत, चारों सचिव और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। ये फर्जी मतदाताओं का मामला इतना गंभीर हो गया है पूरे देश के अंदर, और इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने सोच समझ करके ये प्लानिंग कर रखी है। इनकी उपलब्धि कुछ है नहीं, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे। अब 60 लाख वोटर फर्जी निकले वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, और मैंने सुना 40 लाख तक की तो वो खुद मान रहे हैं कि फर्जी वोट है। अब उनको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। राजस्थान की स्थिति वो बनती जा रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद का क्रेडिबिलिटी का सवाल है।